Assalamu alaikum friends, how are you people doing? I'm your host Aashi Khan. I hope you are healthy and happy in your life. So the friends, today the topic of my video is about the writing skills in the classroom, and I have taken it from the course book of Allama Iqbal, Open University, the language skill 2. It's a TEFL course. So friends, there are three main stages in teaching writing. Basically three main stages. These are controlled, number one, number two, guided writing, number three, free writing. Today we will discuss about all three stages one by one. Writing is a skill which the learner should ideally acquire in stages. We may compare it to learning to ride a bicycle. A child usually starts with a tricycle, which is made so safe that he cannot fall. Next, he may start to use a bicycle with very small wheels or stabilizers fitted either side of the back wheel, which give him some measures of protection or sport. Finally, he will have the confidence to cycle away on only two wheels. Right? Similarly, a teacher following a good writing program does not allow the student to write whatever they want to straight away. This would not only be daunting, but would lead to an excessive and discouraging number of errors, with the consequent buildup of bad linguistic habits. The proficient teacher of writing needs a student through three stages, namely controlled writing, guided writing, and free writing. And what is the difference between these three? I will tell you. So the first one is controlled writing. Now what is the controlled writing? Controlled writing exercises aim to make it difficult for the student to make mistakes. Examples of such exercises would be substitution tables and copying exercises. Okay, now I will explain you in Urdu or Hindi. So friends, एक्चुअली कंट्रोल राइटिंग किस टाइम होती है, किस स्टेज पे होती है, कब होती है, किसको ज़रूरत होती है कंट्रोल राइटिंग की? सो फ्रेंड्स, जब एक बच्चे को हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, वो इतना छोटा होता है, इतना उसकी मेंटल अप्रोच भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो खुद से राइटिंग कर सके. वहाँ उसे एक गाइड की ज़रूरत होती है जो उसे गाइड करे, लेकिन एक कंट्रोल मैनर में गाइड करे. आपने गाइडेड राइटिंग और कंट्रोल राइटिंग को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना. कंट्रोल राइटिंग ऐसे मैनर में होती है जहां बच्चा खुद से कुछ भी लिखने के काबिल नहीं है अभी. उसे सब कुछ एक सीक्वेंस में सिखाना टीचर का काम है, उसके मेंटर और उसके टीचर ट्यूटर का काम है कि वो उसे कंट्रोल मैनर में लेके चलेगा. किस तरीके से? कि उससे बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो. वो उसके एक एक लफ्ज पे नज़र रखेगा, वो क्या लिख रहा है, किस सीक्वेंस में लिख रहा है. अब इस राइटिंग को करवाने के लिए कि इजीली टीचर जो है वो स्टूडेंट को इस राइटिंग को करवा सके, उसे किन टेक्निक्स की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन टेबल्स की ज़रूरत होगी. शुरू के स्टेजेस में, टू ग्रेड में, थ्री ग्रेड में, फोर ग्रेड में क्या होगा कि उसको एक कंट्रोल मैनर में लेके चलेगा, सब्सटीट्यूशन टेबल्स बनाएगा. जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे कि ये एक टेबल है, आप देख सकते हैं ये एक टेबल है. तो इसमें अब सब्सटीट्यूशन टेबल्स में क्या होता है कि आप चॉइसेस चेंज करते रहते हैं, आगे पीछे करके चॉइसेस करेंगे. कहीं ही यूज़ हो रहा है तो उस सेंटेंस के स्टार्ट में शी भी यूज़ कर सकता है, जो स्टूडेंट है उसको चॉइस दी जाएगी. वो नाम भी इस्तेमाल कर सकता है किसी का, उसी के हिसाब से वो आगे चेंजेस करेगा कि वो उसने क्या यूज़ करना है. यानी अगर वो ही यूज़ कर रहा है तो उसके हिसाब से उसे हिम हिज कुछ भी चेंज करना पड़ेगा. उस सेंटेंस में शी यूज़ कर रहा है तो उसे हर यूज़ करना पड़ेगा. कोई नाम है तो सिंगुलर प्लूरल का उसी तरह उसे ख्याल रखना है. ये सब चीज़ें हमें उसे बतानी पड़ती हैं. फिर उसको हम चॉइसेस देते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या वो दे रहा है, कभी हम उसको एंड में वो चॉइसेस चेंज कर सकता है, मैंगो, एप्पल, बनाना. ये सब्सटीट्यूशन टेबल है कि सेंटेंस बनाना हम उसे सिखा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, ठीक है. सेकेंडली क्या चीज़ होती है, हम उसे कॉपी करवाते हैं चीज़ों को. हम बुक से कोई चीज़ लिखने के लिए दे देंगे कि ये आपने लिख के लानी है, या वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे हम उसे कोई चीज़ लिखेंगे और उसे कहेंगे कि इसको आप लिखें, देख के लिखें. वो
हूबहू लिखें या उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन दे देंगे उसको कि वो अपने जहन से कुछ एक दो वर्ड्स सोच के लिखे, बीच में कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप चीज़ें हो सकती हैं, इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ एक कंट्रोल मैनर में चल रहा होता है जिसमें एक टीचर जो है वो स्टूडेंट पे नज़र रखता है। ये बहुत छोटे ग्रेड्स की बात हो रही है, ये स्टेज बहुत ही छोटे ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए होगी। फिर चलते हैं हम गाइडेड राइटिंग की तरफ। गाइडेड राइटिंग इट इज दिस इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, ये इंटरमीडिएट दरमियानी स्टेज आ जाएगी। द गाइडेड राइटिंग स्टेज विच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन फ्रॉम द टीचर। At this level, most of the written work should be guided. The students are not yet ready to relinquish their prompts. Guided writing exercises can be broadly categorized, जैसे यहाँ completion है, reproduction, transformation, summarizing, expansion. The activities which we shall suggest fall within the category of guided writing exercises and may belong to anyone. अब इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि जब थोड़ा सा वो बड़ी क्लासेस की तरफ जाएगा, सेवन ग्रेड एट ग्रेड की तरफ वो जाना शुरू होगा, सिक्स सेवन एट ग्रेड में, वहाँ वो गाइडेड राइटिंग करेगा। आप उसको गाइड करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे और वो उसमें अपना हिस्सा भी डालेगा। फुल आप उसको नहीं करवाएंगे, उसको बताएंगे, गाइड करेंगे और काम उसने करना होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको आइडियाज़ भी देंगे और उसको ले के भी चलेंगे। मतलब दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपने उसको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि वो करे और थोड़ा आप उसको अपनी मर्ज़ी पे चलाएंगे, खुद अपनी मर्ज़ी पे, यानी ये दो तरफ़ा काम होगा। कंट्रोल में सिर्फ टीचर के मुताबिक बच्चा चल रहा था, गाइडेड में दोनों तरफ से काम हो रहा है, स्टूडेंट भी सोच रहा है और पढ़ाने वाला भी उसको में अपनी सोच शामिल कर रहा है, तब वो एक चीज़ लिखने वाली बन रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो फुली ना वो खुद कर रहा है ना ही सिर्फ टीचर के कहने पे हूबहू लिख रहा है। ये हो गया गाइडेड राइटिंग। और इसकी फिर मुख्तलिफ फेजेस आगे मज़ीद आ जाएंगी कि किस तरीके से उसको लेके चलना है। थर्ड स्टेज है फ्री राइटिंग, ये लास्ट स्टेज है। This is the last stage of writing. Usually the teacher will give some guidance, but it will mainly be in the form of pre-writing discussions of the topic. These will often take the form of small group discussions during the writing phase. The student will be largely working from his own linguistic resources, and he will of course receive further guidance from the teacher in the form of feedback after he has read the book or work, whatever. This feedback will be discussed at length. Means आगे बात जब हम करते हैं free writing की, तो of course वो level थोड़ा बढ़ जाता है, और हमने कहा कि 7-8 grade तक भी guided writing होती है। उसके बाद जैसे ही बच्चा matric में जाता है तो teachers की expectations उससे बहुत बढ़ जाती हैं कि अब ये लिखने के काबिल हो गया है, और होना भी चाहिए, काफ़ी साल उसने पढ़ा होता है। तो अब टीचर्स को लगता है इतने साल की गाइडेंस के बाद अब इसको कुछ काम देना चाहिए कि ये खुद से कर सके। उसकी सोच सामने आई, उसकी क्रिएटिविटी सामने आई राइटिंग में कि वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ लिख सकता है। वहाँ पर टीचर का काम इतना होता है कि वो कोई टॉपिक दे देता है, उस पर कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन हो जाती है क्लास में, कुछ मेन आइडियाज़ दे देता है, लेकिन वो सारा का सारा काम, लिखने वाला जो काम होता है वो स्टूडेंट ने खुद करना है। रफली आइडियाज़ जो हैं वो थोड़ी सी इस तरीके से होते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्ट में आपको वो गाइड कर देगा टीचर कि आप इस तरीके से स्टार्टिंग ले लें या इस तरह से एंडिंग करें तो अच्छा लगेगा, या इसमें आप इस तरह के आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें सारी की सारी वोकैबुलरी क्या यूज़ करनी है, उसमें क्या क्रिएटिविटी लानी है, किस तरीके से अपनी सोच को लफ्ज़ों में ढाल के लिखना है, वो सब कुछ स्टूडेंट ने खुद करना होता है। ये है फ्री राइटिंग। और इसकी मिसाल की अगर बात करें कि इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, तो इसमें जो चीज़ है, दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समझी जाती हैं फ्री राइटिंग में, जिससे प्रैक्टिस कराई जाती है स्टूडेंट्स की, वो कंपोजिशंस और ऐसे हैं।
The usual free writing activities practiced in class are compositions and essay. वो इस वजह से कि essay में लिखने का scope, writing का scope बहुत ज़्यादा है. बच्चे को लिखने को बहुत कुछ आ जाता है. आप उसको एक topic ही देते हैं, फर्ज कर लें आप उसको rural areas में और urban areas में difference करने का एक topic दे देते हैं कि what आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो वो इतना कुछ लिख सकता है. जो उसकी क्रिएटिविटी होगी, जो उसकी सोच होगी, जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, वो सब कागज़ पे या जहाँ भी वो टाइप कर रहा है, किसी भी मीन पे, वो अपने जहन के मुताबिक उसको लिख देगा. ठीक है, इसी तरीके से कोई और स्टूडेंट है, वो अपनी क्रिएटिविटी शो करेगा, अपनी वोकैबुलरी लिखेगा, अपने अंदाज से लिखेगा, और सोच इस तरह से उनके सोचने में, सोचने समझने की सलाहियतों पर, मेंटल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है. वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं बच्चे जो लिखते हैं ज़्यादा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से वो गुजरते हैं. जाहिर है पहले वो अपने दिमाग में एक आइडिया को सोचते हैं, रफली एक आइडिया बनाते, एक स्केच बनाते हैं उस चीज़ का. जैसे कि एक तस्वीर बनाने से पहले हम एक स्केच बनाते हैं, फिर उस पर हम जो भी उसकी बाउंड्री लाइंस और कलरिंग वगैरह करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो स्टूडेंट होते हैं फ्री राइटिंग में, पहले सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ लाते हैं जहन में, उस चीज़ को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं. इमेजिन करने के बाद एक उसका रफ सा एक स्केच बनाते हैं, ठीक है, उसकी आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका ड्राफ्ट लिखते हैं. ठीक है, इसमें जो अगर बात करें मेन पॉइंट्स क्या हैं, कि पहले तो वो क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, उसमें से कीवर्ड्स और टॉपिक वर्ड्स निकालेंगे. सेकेंड, फिर उसकी वो आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन उसके बाद वो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसका रिवाइज फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे. तो इस तरीके से वो इस चीज़ को लेके चलते हैं, फिर कंपटीशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, कंक्लूजन वगैरह वगैरह जो भी हो. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. इसके साथ इजाज़त दें अपनी होस्ट आशी खान को. मिलते हैं फिर किसी वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.